और आज हमारे साथ यहाँ पर है मिस्टर अमित के शिवा फ्रॉम फोटोफिट म्यूजिक एंड वी हैव महेश पुजारी द क्रिएटिव प्रोड्यूसर ऑफ दिस सॉन्ग एंड नन अदर देन विशाल कोटियन. सो वी कैन नाउ बिगिन विद अ Q&A सेशन. यार इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कोई भी एल्बम को रिलीज करना ना करना एक्चुअली एक्टर के हाथ में तो होता ही नहीं है. म्यूजिक कंपनी है तो प्रोड्यूसर को डिसाइड्स. पर जहाँ तक मुझे पता है बिकॉज आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी, हमने शूट किया था 2019 में और रिलीज करने वाले थे. दैट टाइम सिड भाई हैड नॉट इवन डन बिग बॉस. ही वेंट इनटू बिग बॉस और झूठ नहीं बोलूंगा थोड़ा सा लालच शायद आ जाता है हर किसी के. एवरीबडी वॉन्ट्स टू कैश ऑन ऑन पॉपुलैरिटी और सिड भाई की जैसी पर्सनैलिटी थी वी ऑल नो दैट विल रॉक बिग बॉस. मैं तो उन्हें तब से जानता हूँ जब हम हमारी दोस्ती इंस्टाग्राम और एक दूसरे की स्टोरी शेयर करने वाली नहीं है, एक कटिंग चाय और पार्ले जी वाली दोस्ती है. हम ग्लैडरैक के ज़माने से, मेरे सीनियर थे ग्लैडरैक में, तब से जानते हैं हम एक दूसरे को. तो सबको ये था कि बिग बॉस से बाहर आएंगे तो शायद रिलीज हो जाएगा. मैं तो रुका ही था कि सिड भाई के साथ गाना है तो अच्छा ही है. लेकिन कोविड आ गया उसके बाद जब वो बिग बॉस में, तभी कोविड स्ट्रक. एवरीबडी वेंट इनटू कोविड. कोविड चलते चलते सिद्धार्थ भाई बहुत मतलब बोलने में भी, मतलब हु न्यू दैट इतना हंसता खेलता इंसान, मस्त इंसान, सबको इतने ब्लेसिंग्स वाला इंसान इस हमारे बीच नहीं रहेगा. एंड जैसे गाने में है, रिलीजिंग दिस सॉन्ग एट दैट मोमेंट वुड बी somewhere playing with sentiments of family and friends, fans, क्योंकि फिर तो बहुत ही cruel हो जाता. उसके बाद कोविड का दौर चलता रहा, मैं बिग बॉस में गया. मैं genuinely as an actor, trust me, मैं तो चाहता था कि मैं जब बिग बॉस में अंदर गया तब ये रिलीज हो. तो you know it, मैं दिल खोल के अपने लालच के बारे में बता रहा हूँ, बट नहीं हुआ. अब ये गाना रिलीज हो रहा है, अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है. एटलीस्ट फैंस तक ये गाना पहुंचेगा. तो दिस इज द रीजन दिस सॉन्ग टुक सो लॉन्ग. एंड सिद्धार्थ भाई का शायद यकीनन ये आखिरी काम है एज एन एक्टर. तो आई वांट एवरीबॉडी टू जस्ट गिव ऑल द लव. मेकर्स से मैं कुछ सवाल है मेरे मेकर्स को लेकर. मेकर्स मेरा सवाल आपसे है कि सिद्धार्थ की फैमिली से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था जहाँ पे लिखा था कि कोई भी गाना उनके ऊपर नहीं बनना चाहिए और अभी भी ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है कि स्टॉप यूजिंग सिद्धार्थ शुक्ला. आप किस तरह से इसको देखते हो और अगर उनकी फैमिली मेम्बर्स ने कहा है उनका कोई भी गाना नहीं आना चाहिए फिर भी ये गाना आता है तो यकीनन सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस के लिए बहुत गलत बात हो रही है. पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि बींग प्रेजेंट करने वालों के लिए कि अगर कोई प्रोडक्ट बना हुआ है और उनके फैंस तक ये गाना पहुंचना चाहिए, अगर ये आफ्टर बिग बॉस के बाद हुआ होता तो हमारे पास एक वो होता कि हाँ चलो हम लोग रिलीज नहीं कर सकते. बट ये 2 से 3 साल पहले ही ऑलरेडी शूट हुआ था. सो एज एन प्रोड्यूसर एज एन मेकर्स सबका एक वो होता है कि हाँ उनका प्रोडक्ट एक्चुअली फ्लोर पे या एक्चुअली सारी चीज़ों सबके सामने आना चाहिए. तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें गलत है. मेरे ख्याल से सब होना चाहिए, सबके सामने आना चाहिए ये सॉन्ग. बट देयर वाज अ स्टेटमेंट आउट फ्रॉम हिज फैमिली मेंबर्स. आई टेक दैट वन. फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्टेटमेंट आप बोल रहे हो कि हमारे गाने के लिए तो न्यूज है. थैंक यू फॉर. हमको तो पता भी नहीं था कि वो हमारे गाने के लिए, क्योंकि वो एक जनरल स्टेटमेंट था. उसके बाद भी सिद्धार्थ के बहुत सारे गाने आए हैं उनके, जब सिद्धार्थ नहीं रहे उसके बाद भी एक दो गाने आए हैं शायद जिसमें सिद्धार्थ है ही नहीं. इसमें तो सिद्धार्थ है और उनका काम है. सो पहली बात तो वो स्टेटमेंट हमारे लिए गाने के लिए इसे आप बता रहे हो मुझे. सेकेंडली अगर आप फैंस की बात करें तो ऐसा कौन सा फैन है सिद्धार्थ शुक्ला का जो मुझे हाथ उठा के बताए कि मैं उनका काम नहीं देखना चाहता. अगर वो हुआ ना तो मैं मान जाऊँ. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये गाना सिद्धार्थ भाई का या विशाल कोटियन, अगर ऐसा ही है तो फिर तो दीपिका त्रिपाठी का है सबसे ज़्यादा. तो वो है इस गाने में एक लड़की दोनों लड़कों के अपोजिट, तो गाना तो दीपिका त्रिपाठी का हुआ. तो ये गाना जब एक गाना बनता है ना
तो किसी एक्टर का नहीं होता, गाना फैंस का होता है, यू नो फैंस देखना चाहते हैं, कोई भी फिल्म बनती है फैंस की होती है, फैंस उसे हिट या फ्लॉप करते हैं, ठीक है। तो मैं चाहूँ, मैं तो सिद्धार्थ भाई का फैन हूँ, मैं अगर मैं ये गाना, मैंने गाना किया है फिर भी मैं गाना 100 बार देखूंगा, तो अगर कोई भी फैन अगर ये बोले कि नहीं नहीं मैं सिद्धार्थ भाई का काम नहीं देखना चाहता, फिर वो खुद को फैन कैसे बोलता है। और जहाँ ट्रोलिंग की बात है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे फैंस अगर जेन्युइन सिद्धार्थ भाई के फैंस है तो जाकर इस गाने को देखें, प्यार दें, क्योंकि ये सिद्धार्थ भाई का आखिरी काम है जो लोगों के बीच आएगा। ये कहते हुए दिल भर आता है, पर है जो है वो है, सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। और एक शो से ना, या एक गाने से, या एक फिल्म से, किसी भी चीज़ से ना, सिर्फ एक्टर ही नहीं जुड़ा होता, एक स्पॉट बॉय भी जुड़ा होता है, कैमरामैन भी जुड़ा होता है, सारे लोग जुड़े होते हैं। तो कोई चीज़ जब चलती है, हिट होती है, तो उनका रुका हुआ पैसा, उनके जो, क्योंकि हम 2 साल कोविड में बहुत बुरे वक्त से गुजरे हैं, तो आपका छोड़, हम बहुत लकी हैं कि ऊपर वाले की दुआ से खाने पीने का और अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, पर बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी अपने पैसे के लिए रुके हैं कि सर 2 साल हो गया, तो शायद ये गाना हिट हो जाए तो उन सबके पैसे भी मिल जाए। तो जब एक प्रोडक्ट बनता है तो उसको लुक, वरना काम ही क्यों करता, एज एन एक्टर मैं क्यों काम करता इन अ प्रोजेक्ट कि मुझे पता है कि लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं। कल अगर मैं भी ना रहूं, मैं ये बोल रहा हूं कि कल, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कोविड ने हमें सिखा दिया, कल अगर मैं भी ना रहूं तो मेरा कोई बाकी काम हो ना, तो किसी से सवाल मत पूछना भाई, उसे रिलीज कर देना, मैं ऊपर से दुआ दूं। सर अगर फ्यूचर में सिद्धार्थ की फैमिली जो है अगर अपोज करती है गाने को लेकर, तो आपका क्या नेक्स्ट स्टेप रहेगा? इसका जवाब ये लोग देख सकते हैं बेटर, क्योंकि मैं तो सिर्फ गाने को प्यार ही चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सब लोग प्यार ही करें। अगर किसी की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन या कुछ भी आए तो वो मेरा लुकआउट तो है ही नहीं, दैट आई विल श्योरली लेट देम आंसर इट। सर, आई ट्राई टू मेक इट थिंग्स क्लियर, आई मीन इट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर सिद्धार्थ भाई के ऑफिशियली ये गो फ्रॉम दैट थिंग, तो हाउ कैन एनीवन ट्राई टू That's what I'm saying, that these are legalities which these people will answer back. The product is, उन्होंने उनके लिए officially बात की, जो उनके साथ officially हुआ, तो मतलब मुझे नहीं लगता ये आगे आने वाले कुछ करना चाह रहे होंगे, जैसे biography तो I think तो someone can try to oppose it, but this is already been done. Okay, I think ये producer Ramesh Parekh, इनका सारा copyright उन्हीं के पास है, because अगर किसी को कुछ problem है, लेकिन directly speak to Ramesh Parekh, producer. लेबल का काम है, उन्होंने गाना रिलीज कर दिया, ठीक है, फैंस तक पहुंचा दिया, अगर कुछ भी प्रॉब्लम थी किसी भी प्रोड्यूसर डायरेक्ट है। ऑल्सो मुझे लगता है फोटो फिट एक बहुत ही नामी म्यूजिक कंपनी है, और रमेश बारी कारा रेवंस इज ऑल्सो क्वाइट पॉपुलर, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन के वो बिना इस कॉन्ट्रैक्ट से करेंगे नहीं, एंड आई थिंक दैट जेंटलमैन हैज आंसर्ड योर क्वेश्चन, आई एम सो हैप्पी दैट मीडिया इज सपोर्टिंग एंड that gentleman has answered your question more beautifully than even I could. Thank you sir so much. But वही है, किसी भी गाने पर ना, मुझे ऐसा लगता है as an actor, मैं technicalities नहीं जानता, अगर जानता तो शायद किसी office में बैठ कर करोड़ों कमा रहा होता side करके, पर नहीं जानता, मैं कलाकार हूँ। मुझे लगता है as an actor, मैं अपना हर काम चाहूँगा कि लोगों तक पहुँचे, और एंड सेम विद सिड भाई, आई नो हिम फॉर, आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज आई नो हिम फॉर लॉट ऑफ गर्ल्स, मैं वो भी यही चाहते हैं कि उनका हर काम लोगों तक पहुंचे, क्योंकि हम काम लोगों के लिए करते हैं यार, वरना तो फिर व्हाई वुड वी वर्क एज एक्टर। लॉट ऑफ फिल्म्स विच हैज कम अप सुशांत सिंह लास्ट इन ऑल आल्सो एग्जैक्टली, एंड ही राइट एज ही राइटली सेड, अगर कोई बायोपिक अप बनाना चाहे देन ही हैज टू टेक अ परमिशन ऑब्वियसली, बट अगर जो काम है जो लीगली हुआ है जो सब कुछ है तो दैट हैज टू बी रिलीज, क्योंकि उसके उससे बहुत लोगों के पैसे जुड़े हुए हैं, सर मिलने दीजिए सबके पैसे। एक्चुअली सुशांत जी की और ऋषि सर की भी अभी एक मूवी रिलीज हुई थी जो उन्होंने बहुत पहले किया हुआ था, जो उनको हाफ पार्टनर पर ऋषि ने आई थिंक उन्होंने किया है, तो मुझे लगता है सब ऑफिशियल जब राइट्स थे हमारे पास तभी सिद्ध सर ने किया होगा ये काम, और जाहिर सी बात है ऑफिशियल राइट से तभी ये गाना रिलीज हुआ है, वरना ऐसे तो नहीं कोई कंपनी कर सकती है। तो बाकी क्या होता है कि गाना आपके सामने है, ऑफिशियल सारे राइट्स अपने पास हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कुछ होना चाहिए बाकी का। well,
बहुत सारी मेमोरीज है मेरे और सिद्ध भाई की। जब मैं ग्लैडराइज में जा रहा था तो मुझे अभी भी याद है, हमें कहा गया था कि सिंपल है, जीन्स, वाइट टी शर्ट एंड जैकेट ऑडिशन राउंड में। एंड सिद्धार्थ भाई कर चुके थे ग्लैडराइज, तो मैंने फोन उठाकर बोला कि सिड्डू ऐसा ऐसा है, कपड़े क्या पहनो? तो बोलता कुछ भी पहन के जा, कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने एक कट स्लीव पहन लिया अंदर, मुझे लगा था कि जैकेट के अंदर कट स्लीव कौन देखेगा, जैकेट है ऊपर जीत है। तो वहाँ जाने के बाद मुझे बोला कि जैकेट निकालो आप अपना और वॉक करो, और मैंने जैकेट निकाला और सब हंसने लगे क्योंकि अंदर से गंजी थी कट स्लीव, वो भी काटी हुई। तो फोन करके मैंने सिद्ध को बोला यार कम से कम बता तो देता। वो एक बात है कपड़ों को लेकर, और एक बात है ये गाने के वक्त जब कॉस्ट्यूम डिसाइड हो रहे थे तो सिड वॉज वेरी क्लियर विद हिज क्लोथ्स और उनके कपड़े बहुत गए थे। मैं अपने कपड़ों के बीच पे था मेरा काम और मेरे दो तीन अलग अलग लुक्स थे, तो मैं अपने कपड़ों को लेकर थोड़ा सा ये था कि नहीं यार मुझे ये नहीं पहनना है, मुझे ये पहनना है मुझे, और सिद्धार्थ शुक्ला इज देयर इन द सॉन्ग, तो थोड़ा वो भी है कि अच्छा दिखना पड़ेगा भाई, ये भाई खा जाएगा। तो थोड़े अच्छे कपड़े चाहता था कि कम से कम कपड़े से अच्छा दिखूँ, तो मैं बहुत खिटखिट कर रहा था। सीट मेरे पास आया और कहा कि भाई एक काम कर, तू मेरे कपड़े पहन ले, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तू मेरे कपड़े पहन ले। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया, पर आज मैं समझता हूँ कि हम दोनों के सीने का साइज एक ही था, कपड़ों का साइज एक ही था, लेकिन उस आदमी का दिल मुझसे बहुत बड़ा था। अच्छी फीलिंग है यार, बहुत ही अच्छा लग रहा है बिग बॉस के बाद, और अच्छा लग रहा है क्योंकि सिड भाई के साथ सॉन्ग है और वो भी बिग बॉस के मतलब बिग बॉस के लेजेंड, उन जैसा बिग बॉस कोई नहीं खेला। हम सब अंदर डिस्कस करते थे कि काश थोड़ा सिड भाई जैसा खेल जाए, तो उनके साथ गाना बहुत अच्छा लग रहा है। और बिग बॉस के बाद ये मेरा पहला काम है और बड़ा है, बाप ऑफ ऑल द सॉन्ग्स है, तो बहुत अच्छी फीलिंग है। मेरे लिए कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, अच्छा या बुरा होता, और ये काम तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो आई एम फीलिंग वेरी गुड, नर्वस भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ, और जब तक एक एक्टर के स्टमक में बटरफ्लाइज नहीं आए ना तब तक वो एक्टर नहीं होता, तो इस वक्त वही फीलिंग। सर ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका ये सॉन्ग शूट करने का? बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत मज़ा आया इस सॉन्ग को शूट करते वक्त। मेरे और सिड भाई के बीच में एक सीन था इस सॉन्ग में वेर ही डाइज इन द सॉन्ग, हमने जानबूझकर वो नहीं रखा है क्योंकि बहुत थोड़ा ग्रूसम हो जाता है, एंड वी डिडंट वांट टू कीप दैट, वी डिडंट वांट दैट सीक्वेंस टू बी देयर। उसके अलावा बहुत मज़ा आया, हमने भुवनेश्वर और पुरी में शूट किया है ये गाना, तो सिड भाई और मैंने बहुत धमाल किया ऑफ स्क्रीन। तो और आई एंड सिद्धार्थ एज आई सेड वी नो इच अदर फॉर लॉट ऑफ इयर्स, हमारी दोस्ती वही है ना, आजकल की इंस्टाग्राम में एक दूसरे की स्टोरी डालने वाली दोस्ती नहीं थी, हम लोग एक कटिंग चाय जैसे मैंने बताया और पार्ले जी बिस्किट पर ही खुश हुआ करते थे, और वही लाइफ थी, बाइक पर घूमना और रेडी लगाना, जैसे वेलागिरी करना जो दिल्ली की भाषा है, बॉम्बे में उसको टपोरीगिरी बोलते, वो किया करते थे, और बहुत अच्छा लगता था। और उनके साथ काम करना बहुत मतलब हाल ही में जब वो इतना ज़्यादा काम कर रहे थे, ही बिकेम अ सुपर स्टार ऑफ टेलीविजन एंड देन ही डिड हम्ती शर्मा की दुल्हनिया, तब एक बार हम इंडिगो कैफे में मिले थे अंधेरी में, एंड वी हग ईच अदर आउट एंड ही सेड यार इससे आगे और बहुत काम करना है। इवन व्हेन उनका जो न्यूज़ आया तब मैंने बोला ऐसा थोड़ी हो सकता है, इतना अच्छा खेलता हंसता खेलता आदमी, इतना तगड़ा आदमी और इतने सारे ब्लेसिंग्स वाला आदमी, इतने सारे प्यार वाला आदमी ऐसे थोड़ी निकल जाएगा। तो इनिशियली मुझे लगा कि वो होता है रोज़ अपने को न्यूज़ आते हैं वैसे ही कुछ है, क्योंकि कोविड के बीच में आया था, बाहर ज़्यादा घूमना भी नहीं होता था, तो ऐसा लगा कि कोई ऐसी ले रहा है टाइम पास कर रहा है। और फिर जब गूगल पे और बाद में सच्चाई सामने आई तो दिल बैठ गया, आज भी दिल थोड़ा बैठा हुआ है, जब जब ये गाना मैं देखता हूँ तब तब दिल बैठ जाता है। बहुत थोड़ी सिमिलर स्टोरी है इस गाने की, तो बहुत ही दिल भर आता है। और सारे फैंस जो भी सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस हैं, मेरे फैंस हैं, जब भी इस गाने को देखेंगे उन सब का दिल भर आएगा। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, इट्स अ ब्यूटीफुली संग सॉन्ग बाय सवा भाई, एंड ब्यूटीफुली पिक्चराइज्ड एज़ वेल। कोई ऐसी मेमोरीज ऑन द सेट, कोई ऐसी बातें जो काफी आज आप काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं? I was always, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, I was always a fan of the way शुक्ला भाई used to dress up.
एक तो पर्सनैलिटी लंबी चौड़ी थी, मैं भी बहुत लंबा चौड़ा हूँ, सो वी हैड अ सिमिलर स्ट्रक्चर. तो मैं हमेशा उनके कपड़े चुराने की कोशिश करता था जब भी साथ में था. तो इस गाने के दौरान भी एक ऐसा वाक्य हुआ था जब मैं आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद माई कॉस्ट्यूम्स कि मुझे ये नहीं चाहिए वो चाहिए. सिड भाई वॉज वेरिंग लॉट ऑफ सूट्स एंड मुझे था कि यार कम से कम सिड भाई के साथ गाना है तो मैं भी थोड़ा तो पर्सनैलिटी वाइज अच्छा दिखूँ, क्योंकि तगड़ा कॉम्पिटिशन है भाई, वरना दिखूँगा ही नहीं, खा जाएंगे भाई. तो मैंने भी कोशिश की कि थोड़ा थोड़े कपड़े मेरे अच्छे हो. मैं बहुत थोड़ा खिटखिट कर रहा था उस वक्त. तो सिड भाई एवर सेड एक भाई तू काम कर ले, तू मेरे कपड़े पहन ले, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हम दोनों का साइज़ सेम था जैसे मैंने कहा, पर ट्रस्ट भी बातों में बात निकल गई, पर ट्रस्ट भी उस आदमी का साइज़ और मेरे सीने का साइज़ सेम था, लेकिन उसका दिल मुझसे बहुत बड़ा था. उसके बाद मैं चुप रहा और मैंने जो कपड़े दिए वो चुपचाप पहन लिए. विशाल जी, गाने की बात की जाए तो गाने में जो है जितना सिद्धार्थ के जो फैंस हैं जितना उन्होंने मतलब नापसंद कर रहे हैं, कुछ फैंस जो है गाने को पसंद भी कर रहे हैं, गाना उनको बहुत अच्छा लग रहा है, यार हम कलाकारों का काम होता है काम करना. हम तो चाहते हैं कि हमारा हर काम लोगों तक पहुंचे और हर काम लोग पसंद करें. पर अगर सिद्धार्थ शुक्ला फैंस, जो रियल सिद्धार्थ शुक्ला फैंस हैं, अगर वो इस गाने को ना देखे बगैर नहीं रह सकते. अच्छा बुरा ये पर्सनल चॉइस पर है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते और हर फैसला सर आँखों पर. अगेन आई एम सेइंग दिस एंड अंडरलाइनिंग दिस कि अगर कोई भी सिद्धार्थ शुक्ला फैन अगर हाथ उठाकर कहे कि मैं सिद्धार्थ शुक्ला फैन हूँ, मैं उनका काम नहीं देखना चाहता, तो फिर फैन का क्या मतलब हुआ. आई फील दैट इस गाने को हर सिद्धार्थ शुक्ला फैन, हर विशाल कोटियन फैन देखे. इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. ये गाना सिद्धार्थ भाई का या विशाल का नहीं है, ये गाना प्रोड्यूसर का भी है, म्यूजिक कंपनी का भी है. सबसे ज़्यादा गाना तो दीपिका त्रिपाठी का है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गाने में तो लड़की है तो और गाया भी है उन्होंने. So this song belongs to all of us and more so to the fans, kyunki humne fans ke liye kaam kiya. So this song is dedicated to the fans and har fan is gaane ko dekhe aur dher sara pyar. Deepika Tripathi ke sath aapki chemistry kaafi achhi lag rahi hai, uske bare mein kuch jaanna chahoge kis tarah ka overall experience tha unke saath kaam karke. Deepika is a big star in ओडिशा फिल्म इंडस्ट्री, शी इज़ अ वेरी बिग स्टार देयर. इसलिए वो थी इस गाने, क्योंकि हमने ओडिशा में शूट किया है. और बहुत ही प्यारी लड़की है, बहुत स्वीट लड़की है, बहुत. इनफैक्ट मैं और स्वीट भाई बहुत उसका खींचा करते थे, टांग खींचा करते थे, क्योंकि उसको मुंबईया नहीं है. हम दोनों एकदम मुंबईया भाषा में बात करके, थोड़ा यहाँ की मराठी में बात करके, दे डोंट अंडरस्टैंड मराठी एट ऑल. तो हमने बहुत टांग खिंचाई की है उसकी. बट शी इज़ अ स्वीट गर्ल. वो थोड़ी सी सहमी हुई थी कि मुंबई से दो एक्टर्स आ रहे हैं, दो स्टार्स आ रहे हैं, एंड आई बिलोंग टू उड़ीसा, एंड मैं उन्होंने हमें टीवी पर देखा था बहुत ज़्यादा. बट वी मेड अर फील कम्फर्टेबल. और उसके बाद तो दैट इज़ द रीज़न यू कैन सी द केमिस्ट्री, क्योंकि मैं और सिद्धार्थ भाई दोस्तों के दोस्त हैं, मस्ती करते थे. और सर आपसे जानना चाहेंगे कि इतना टाइम लग गया है शाम को लाने के लिए, और ये भी जानना चाहेंगे किसी भी सॉन्ग का आना ना आना ट्रस्ट में एक्टर के हाथ में होता ही नहीं है. इट इज़ द मेकर्स और द प्रोड्यूसर और द म्यूज़िक कंपनी दैट डिसाइड्स कोई भी गाना कब आए, क्योंकि एक्टर काम करता है, पैसे लेता है और एक्साइटेड रहता है कि कब गाना आए और कब मुझे अपना काम देखने मिले, कब मेरे फैन मुझसे प्यार करें. बस एक्टर का इतना ही काम होता है. सो इस गाने के बारे में महेश जी और अमित जी ज़्यादा बता सकते हैं कि इसको क्यों वक्त लग गया और क्या. I've been a part of this song, so I will definitely, I know the whole process, क्योंकि मैं बार बार पूछता था कि कब आ रहा है, कब आ रहा है. सो एक्चुअली हर मेकर प्रोड्यूसर्स यही चाहता है कि उसका प्रोडक्ट बाहर आए. मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि अगर ये एक्सीडेंटल अगर उस इन द मेकिंग में हुआ होता तो शायद हो सकता है ये गाना रिलीज़ नहीं होता और ये गाने में कुछ प्रॉब्लम होती, बट ऑलरेडी ये गाना शूट हो चुका था. तो फिल्म मेकर्स और प्रोड्यूसर्स हर कोई ये चाहता है कि उसका जो भी प्रोडक्ट है वो बाहर आए. सो आज ये गाना आ रहा है तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई इशू होना चाहिए. और रही फैंस की बात, तो वो रिएक्ट करना और ना रिएक्शन करना उनकी खुद की चीज़ें हैं. और जैसा कि विशाल जी ने बताया कि अगर कोई फैंस बोलता है कि मुझे ये गाना नहीं देखना है, तो कोई फैंस नहीं रह जाता इस चीज़ से. अगर उनका कोई गाना नहीं देखना चाहता तो ये चीज़ मुझे भी लगता नहीं ऐसा कोई नहीं. और ये गाना हमने शूट किया था 2019 में, और उसके बाद रिलीज़ होने वाला था सिड भाई वेंट इनटू बिग बॉस. तो थोड़ा सा वो भी आया कि बिग बॉस में तो ये मचा देंगे,
हम सिद्धार्थ भाई को जानते हैं सब, तो हमने हम मचा देंगे, तो जैसे बिग बॉस के बाहर आएंगे हम इसको रिलीज़ करेंगे, थोड़ा और हाइप मिलेगा। दैट वाज द आइडिया। मैं तो पूछ ही रहा था, मैं तो बिग बॉस में भी तब नहीं था सीजन 13 में, तो मैं तो पूछ रहा था कि इसको रिलीज़ करो यार, सिद्धार्थ भाई के साथ गाना है। पर उसके बाद कोविड आ गया, कोविड जब सिद्धार्थ भाई वॉज इन द बिग बॉस हाउस तभी कोविड आ गया था। द कोविड जर्नी वेंट ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। देन सिद्धार्थ भाई पास्ट अवे। मतलब किसी को इस बात का यकीन ही नहीं हुआ कि वो हमारे बीच नहीं है। और उसके उस वक्त ना, अगर ये गाना जैसे आपने गाना देखा उस वक्त, अगर मुझे ऐसा लगता है गाना रिलीज़ करते, क्योंकि मैंने इनसे तभी बोला था कि रिलीज़ कर रहे हैं क्या, तो ये दे सेड के नहीं यार, इस वक्त अगर रिलीज़ करेंगे ना, वेट फॉर इट, वी शैल हैव पेशेंस, इस वक्त रिलीज़ करेंगे तो बहुत, मतलब वील बी प्लेइंग विद द सेंटीमेंट्स ऑफ द ऑडियंस एंड द फैंस, क्योंकि बहुत आइकॉनिक है कि गाने में भी ऐसे ही हो रहा है। एंड सो दे वेटेड। उसके बाद मैं बिग बॉस में चला गया, मैं तब भी पूछ रहा था कि गाना रिलीज़ कर दो, क्योंकि मुझे शायद इस, एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट, मुझे इस गाने से शायद सबसे ज़्यादा तब फायदा होता जब मैं बिग बॉस में होता और ये गाना आता। लेकिन इट वॉज देयर डिसीजन, मेकर डिसीजन, विच एक्टर का जेन्युइनली कोई उस पर हक ही नहीं होता, क्योंकि हक होता तो मैं बोलता बिग बॉस में जब हूँ तब रिलीज़ कर दो, फ़ायदा होगा। पर वो नहीं किया, वो नहीं हुआ। अब हो रहा है तो अब भी खुशी है कि चलो गाना आ रहा है। फैंस के लिए बहुत खुशी है कि उनको सिद्धार्थ भाई का काम देखने मिलेगा। ये जेन्युइनली उनका आखिरी काम है जो उन्होंने किया है, क्योंकि सिद्धार्थ भाई खुद हैं इस वीडियो में, ही इज़ एक्टेड इन दिस सॉन्ग। सो ये फैंस के लिए आखिरी मौका है सिद्धार्थ भाई को देखने का। मैं शुक्रगुजार हूँ कि उनका आखिरी काम मेरे साथ है। आई फील ऑनर्ड, आई रियली फील ऑनर्ड कि मैंने बिग बॉस किया जो सिद्धार्थ भाई ने किया था, अब मैं उनके गाने में हूँ जो उनका आखिरी गाना है। सो इससे ज़्यादा मैं ऊपर वाले से नहीं मांग सकता था। मैं तो यही कहूँगा कि जितने सपने मैंने नहीं देखे उससे ज़्यादा पूरे हो रहे। सो लव यू ऑल माई फैंस। बाकी महेश जी हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग बिकॉज ही वॉज देयर, ही फ्रॉम मुंबई, ही वॉज दी ओनली वन हु वॉज देयर वेन दिस सॉन्ग हैपेंड, जब शूटिंग हो रही थी। तो प्रॉब्ली ही वुड बी एबल टू टेल यू बेटर, ही इज़ बीन द क्रिएटिव प्रोड्यूसर ऑफ दिस सॉन्ग। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर फ़ायदा अगर होना होता, अगर फ़ायदा तो अगर सिद्ध भाई के जाने के बाद अगर हम लोग रिलीज़ करते तो ज़्यादा फ़ायदा मिलता अगर देखा जाए तो। बट हमें इतना टाइम जो लगा है तो वो ज़रूरी था कि प्रोडक्ट अगर बना हुआ है तो हमें रिलीज़ किया जाए। अगर हमें फ़ायदा मिलने की बात होती तो चाहते तो हम उसी टाइम पर रिलीज़ कर सकते थे, हमें ज़्यादा फ़ायदा होता। अगर लोग सोचते हैं कि हम उनके भाई की, सिद्ध भाई की TRP के लिए हम लोग चीज़ें कर रहे हैं या लाइमलाइट लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बना हुआ ऑलरेडी सॉन्ग था, उन्होंने वो खुद चाहते थे कि ये सॉन्ग रिलीज़ हो, लोगों के सामने आए। सो हम लोगों ने बस ये चीज़ें कोशिश की। जैसे मैंने पहले भी कहा, कोई भी गाना, फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम जस्ट टॉकिंग एज एन एक्टर, कोई भी गाना ना एक्टर का होता है, प्रोड्यूसर उसमें पैसे लगाते हैं, म्यूज़िक कंपनी पैसे लगाती है, पर वो गाना एक्चुअली फैंस का होता है। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि अगर कल मैं ना रहूँ, अभी मैं ये बोल रहा हूँ कैमरा पे, क्योंकि कोविड के टाइम पे आपने देखा है कि किसी का कोई भरोसा नहीं है भाई, जितनी छोटी ज़िंदगी है जी लो। तो अगर कल भी मैं भी ना रहूँ तो मेरा कोई बाकी काम होना तो प्लीज़ उसे रिलीज़ कर देना। मैं ऊपर से देख कर खुश होऊंगा कि मेरा काम रिलीज़ हो रहा है, क्योंकि हर एक्टर काम इसीलिए करता है कि उसके फैंस तक पहुँचे, और अगर फैंस तक मेरा कोई भी काम पहुँचे ना तो मैं खुश हूँ। उसी तरह मैं चाहता हूँ कि ये सिद्धार्थ भाई का आखिरी गाना है तो वो सारे फैंस देखें और उसे इन्जॉय करें, ढेर सारा प्यार दें। लव यू ऑल। बोल बम। Thank you.